Hello students, we were discussing the chapter number 13, that is amine, and in the previous video we have discussed all the chapter according to the updated CBSE syllabus. So today we will discuss a new type of reaction. As we know, diazotination and diazonium salt and their property, their chemical properties, physical properties has been eliminated from the CBSE syllabus, but these are the important reactions because diazonium salt are also found in the chapter number 1st, and how they react with other reactants or molecules, let's see. The reaction name, coupling reaction. Coupling reaction. Some type of couple of two molecule is formed in this reaction. First of all, we have diazonium chloride here, with which phenol is reacting and forming a couple of two benzene ring of this type. Chaliye. So what will be the name of the compound? It is 1, 2, 3, and 4, or we can say it is para according to with respect to this position. So para p hydroxy diazo benzene, and it is called orange dye. ठीक है, चलिए आगे. Benzene diazonium chloride will react with anion. New compound form para amino diazobenzene. It is red type, I think. Sorry. ये येलो डाइ. ठीक है बेटा, चलिए ये था हमारा कपलिंग रिएक्शन. इसको हमें देखना था थोड़ा सा, इसको हमें पढ़ना था, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल हैलाइड और फिनोल या फिर एनिलीन आ सकता. ठीक है, चलिए. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चंस एंड आफ्टर दैट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, एंड वन बाय वन
we will solve each and every question of exercise. So before solving the exercise, you must remember all the method of preparation and chemical properties of the chapter. चलिए इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर फोर अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ पेज नंबर 396 ठीक है चलिए अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ देखो बेटा बेसिक स्ट्रेंथ पूछा है हमारे यहां पर उसने फेज डिफाइन नहीं किया है जब तक वो फेज डिफाइन ना करे तब तक आप गैस एज में लिखो बिकॉज इट इज इजी जब वो सॉल्यूशन फेज कहते तब आपको सॉल्यूशन फेज का वो जो फॉर्मूला बताए थे हमने मिथाइल अमाइन और इथाइल अमाइन के रिस्पेक्ट में तब आपको वो यूज करना उससे पहले नहीं करना उससे पहले करोगे तो फिर आप उसको बताओगे कि मैंने सॉल्यूशन फेज में भी आंसर दिया लेकिन अगर वो नहीं वह कह रहा है कि सॉल्यूशन फेज में अगर उसने नहीं दिया है सॉल्यूशन फेज इट मीन्स he is asking that the basic strength in gases ठीक है सो मैं इसका एक क्वेश्चन चलिए दो क्वेश्चन मैं इसलिए करा देता हूं फर्स्ट C2H5NH2 ठीक है इथाइल अमाइन एनिलीन अमोनिया बेंजाइल अमाइन एंड एनएनडाइएथाइल अमाइन चलिए तो अगर मैं इसको कहूं ए बी सी डी ई और इसने कहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ सो बेसिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करेंगे बेटा बेसिक स्ट्रेंथ यहां पर हम कैसे चेक करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट से और ये हमको पता है प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक स्ट्रेंथ बेसिसिटी और माइनस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी और ये किस फेज में होता है ये गैस फेज में होता है किस फेज के अंदर होता है गैस फेज के अंदर चलिए तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट जहां मिलेगा वो क्या होगा वो बेसिक ज्यादा होगा अगर उसको माइनस आई मिल जाता है और ज्यादा माइनस आई मिलता है तब क्या होगा कम बेसिक होगा तो सबसे ज्यादा माइनस आई बेटा यहां पर मिलेगा क्योंकि यहां तो प्लस आई माइनस आई और प्लस आई तो माइनस वाले गले लिखे और माइनस में डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ है रेजोनेंस में भी इन्वॉल्व है माइनस आई इफेक्ट भी शो करेगा बेंजीन तो बी सबसे कम बेसिक होगा उससे ज्यादा बेसिक होगा आपका डी यहां आर ना लग के देखो इसमें माइनस आई और माइनस आर दोनों लगे यहां केवल माइनस आई लगेगा माइनस आर नहीं लगेगा ठीक है देखिए है तो माइनस ही डेंसिटी कम हो रही है आफ्टर दैट हमारे पास आता है सी क्यों क्योंकि यहां पर प्लस आई इफेक्ट हाइड्रोजन शो करेगा बहुत कम जो कि बहुत कम होता है उसके बाद हमारे पास आएगा ए क्योंकि यहां पर क्या है प्लस आई यहां प्लस आई देने वाला केवल एक ही ग्रुप है और जबकि ई में प्लस आई देने वाले दो ग्रुप है मीन्स यहां पर लोन पेयर हम इजिली डोनेट कर सकते हैं ठीक है इजिली डोनेट सॉरी ई नेगेटिव लगा दिया इलेक्ट्रॉन बना दिया ठीक है इसको इजिली डोनेट कर सकते हैं तो ये आपका बेसिक स्ट्रेंथ का इसी तरीके से हमको करना होता है या एक तो पहले हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए ये तो हमारा कंसेप्ट ठीक है फिर ये एप्लीकेशन है ये सारे हमने जो लिख लिया इस तरीके से बेटा हमको एक याद ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थर्ड वन मिथाइल अमाइन एंड एंड डाई मिथाइल अमाइन एन 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 ट्राई मिथाइल अमाइन एनिलीन और बेंजाइल अमाइन अच्छा है
देखो जनरली आपको वो क्या करता है, सुन लो मेरी बात, जनरली आपको वो जब देगा क्या देगा, ग्रुप अल्काइल ग्रुप एट नाइट्रोजन एटम, तो वो सेम देगा या बेंजीन के एक, ये तो इसको तो ग्रुप है ही नहीं, दूसरा ग्रुप हमारा बेंजीन है, तीसरा ग्रुप हमारा इथाइल है, तो इथाइल ही है सब के अंदर, मिथाइल है तो मिथाइल तो मिथाइल ही है, ठीक है। तो ये हमको सोचना चाहिए, ये खुद भी अंडरस्टैंड कर लेते, ठीक है। ये तो कंसेप्ट लग ही रहा है, यहाँ प्लस आई है एक देगा, यहाँ प्लस आई है दो देंगे, यहाँ प्लस आई है तीन देंगे, यहाँ माइनस आई और माइनस आर दो लगेंगे, यहाँ केवल माइनस आई लगेगा, माइनस आर नहीं लगेगा, ठीक है। तो सबसे कम बेसिक कौन होगा, सबसे कम बेसिक अगर मैं कहूँ ए बी सी डी ई, तो सबसे कम बेसिक होगा हमारा डी, और उसके बाद होगा हमारा ई, और उसके बाद होगा ए, फिर बी और फिर सी, ठीक है। तो ये आपका बेसिसिटी का ऑर्डर हो गया। चलिए अच्छा, आप वहां पर ए बी सी डी मत करके लिखता है, आप उसकी इसी ऑर्डर को लिख सकते आ जाना, जैसे कि डी है, क्योंकि एग्जामिनर को वही चाहिए होगा, उसको इजी रहेगा, फिर वो कहाँ मैच करता रहेगा कि बी कौन सा है, फिर उसको अप्लाई करेगा, ठीक है ना। तो आप उसको ऐसे लिखेंगे इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये याद रखना कि अगर एग्जामिनर को ऑर्डर में क्वेश्चन के ऑर्डर में या फिर गलत तरीके से आंसर दे दिया हुआ चेक करने में दिक्कत आती है, तो इट विल इम्पोज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द माइंड ऑफ एग्जामिनर, ठीक है, ये याद रखना। तो हमको ये भी याद रखना है कि उसको आसान पड़े, देखते ही उसको पता लग जाए कि हाँ ये आंसर, ठीक है, अच्छी बात है, खुश रहेगा। चलिए तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए अब जब बेसिसिटी की बात चली रही है तो बेसिसिटी को ही खत्म कर लेते हैं अभी पहले। चलो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर, ये तो पेज नंबर पेज टेक्स्ट है ना, तो यहाँ पर ये मान करके चलिए बेसिसिटी के क्वेश्चन चल रहे हैं। अब मैं कर रहा हूँ एक्सरसाइज का 4, ठीक है, पेज 400 क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्या कहता है ये, वो कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीज, अच्छा इसने अलग अलग दिए हैं, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के बी वैल्यू, इंक्रीजिंग ऑफ पी के बी, जरा ध्यान रखना बेटा, के बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी एंड पी के बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी। अगर कंसेप्ट याद ना रहे तो ये फॉर्मूले आप याद रखना, ठीक है। चलो बात करते हैं, अब उसने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है इथाइल अमाइन है, C6H5 NHCS3 है, N मिथाइल एनिलीन है, फिर है यहीं पर C2H5
twice of NH. NH diethyl amine है, sorry, हाँ, और फिर है C6H5NH2 बेरिलियम, ठीक है, सॉरी एल्यूमिनियम. अब देखते हैं कि बेसिसिटी किसका ज्यादा है, उसका पी की वैल्यू होगा कम, ठीक है. तो पहले बेसिक बेसिसिटी में लिख देता हूँ, बेसिक बेसिसिटी का ऑर्डर लिखूंगा और फिर यहाँ पर लिखूंगा पी के भी वैल्यू का ऑर्डर, क्योंकि रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, रिवर्स हो जाएगा. बेसिक सबसे ज्यादा कौन होगा भैया, यहाँ लगाओ प्लस आई और यहाँ ये प्लस आई दे रहा है लेकिन ये माइनस आई और माइनस आर, तो प्रीडोमिनेट करेगा नेगेटिव, यानी कि कम बेसिक. फिर आएगा आपका प्लस आई दो बार है और फिर यहाँ केवल यहाँ माइनस आई और माइनस आर लगा हुआ है. अगर एक कंसेप्ट देखा जाए तो प्लस वाले और माइनस वाले, तो पहले माइनस वाला को कंसिडर कर लेते क्योंकि वो कम बेसिक होंगे. अब कम बेसिक में माइनस आई माइनस आर लग रहा है, यहाँ केवल इस वाले में, और इसमें प्लस आई लग रहा है, यानी कि जितना ये डेंसिटी की जगह थोड़ा सा तो ये बढ़ा देगा, भले 1% बढ़ा, ठीक है, यानी कि ये इसका जो लोन पेयर है वो ज्यादा अवेलेबल है, इसलिए ज्यादा बेसिक है देन दिस वन. इसलिए सबसे कम बेसिक जो होगा हमारा C6H5NH2, उससे ज्यादा बेसिक होगा C6H5NHNCH3. अब बात आती है यहाँ पर बेसिक अवेलेबल ज्यादा कौन कराएगा, प्लस आई ज्यादा कौन कराएगी, तो ये ज्यादा बेसिक ये का, तो पहले कम वाला लिखना है, ठीक है, C2H5 NH2 and C2H5 twice of NH. ये तो बेसिसिटी का ऑर्डर होगा, जिसका बेसिसिटी ज्यादा उसका पी के की वैल्यू कम होता है. इसको रिवर्स करते हैं ऑर्डर को और काम खत्म करते हैं, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ भाई, ये आपका बेसिसिटी ऑर्डर है और ऐसे आपका पी के भी वैल्यू ऑर्डर है, ठीक है. ऐसा ऐसे बढ़ेगा पी के भी वैल्यू ऐसे बढ़ेगा, और सही कन्वेंशन अगर करना है तो इसके बीच में फिर आप ये मत लगाओ क्योंकि अब कोमा लगेगा, हमने एरो लगा दिया ना ऊपर, ऐसे जाओगे तो बेसिसिटी बढ़ रहा है, ऐसे जाओगे तो पी के भी वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है. चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ये आप अपने आप कर लोगे. क्वेश्चन नंबर थर्ड बताता हूं, फोर्थ का, ठीक है. चलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ चेक करते बेटा. फर्स्ट दिया इसने एनिलीन, ठीक है, फिर इसने दिया पी नाइट्रो एनिलीन, फिर दिया है पी नाइट्रो टोलुडीन. आसान है क्वेश्चन, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, देख लो एनिलीन भैया बना ये रहा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, कम बेसिक है, जनरली कम बेसिक है. पी नाइट्रो अगर इसका बनाऊ मैं यहां पर लग गया नाइट्रो ग्रुप भी और NH2, ठीक है, और फिर पी नाइट्रो टोलुडीन पी टोलुडीन है नाइट्रोजन, वही कम कह रहा हूं, चलिए बात करते कंसेप्ट की. कंसेप्ट में जिसके पास लोन पे ज्यादा अवेलेबल हो ज्यादा बेसिक, कम अवेलेबल कम बेसिक, कम अवेलेबल ये देखो ये जो है ना NH2 में, इसमें भाई यहाँ माइनस आर तो लग रहा है, रेजोनेंस के थ्रू तो इलेक्ट्रॉन कम हो ही रहे हैं और माइनस आई भी शो करता है कौन बेंजीन, ठीक है. उसके बाद यहाँ पर माइनस आर माइनस आई बेंजीन लगा रहा है, फिर नाइट्रो ग्रुप माइनस आर भी बना रहा है क्योंकि जब एन ओ और ओ ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये खींच लेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि और ज्यादा खींच रही है डेंसिटी, और ज्यादा कम बेसिक हो रहा है. यहां बात करते हैं यहां बेंजीन लगाएगा माइनस आर और माइनस आई, बट CH3 लगा देगा प्लस आई, ठीक है, CH3 लगा देगा प्लस आई, जिसकी वजह से ये पुश कर देगा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड द बेंजीन रिंग, ठीक है,
ठीक है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपवर्ड साइड जो है बढ़ाएगा, इसलिए इसका बेसिसिटी होगा ज्यादा। अब इसमें क्या पूछा था, इसने पूछा था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, तो सबसे कम होगा हमारा ये पी नाइट्रो एनिलीन, उसके बाद होगा हमारा एनिलीन, और उसके बाद होगा पी टोलुरीन। ठीक है, ये हमारा सबसे ज्यादा देख, ठीक है, ये बेसिक करेक्टर हो गया। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फोर्थ हमने कर चुके हैं, अब आता है अच्छे वाला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर, अच्छा फोर ही चलेगा अभी, तो चलिए थर्ड करा दिया है। थर्ड के बाद सॉरी फोर्थ का थर्ड आप करेंगे खुद, थर्ड नहीं, अरे फोर्थ के थर्ड में दो पार्ट हैं ए और बी, ये ए था ठीक है, थर्ड का ए था भाई ये। अब इसका बी भी कर लो, बी में क्या है, एनिलीन दिया है और ये दिया है, ये शायद हम कर चुके वाला, ठीक है फोर्थ करते हैं, ठीक रहा फोर्थ का फोर्थ पार्ट करेंगे, बट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए चलिए बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज, गैस फेज में तो आई है आई फेज में देखिए हम, ठीक है इथाइल अमाइड, एन डाइथाइल अमाइड, एन 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 ट्राइथाइल अमाइड, अमोनिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना बेसिक स्ट्रेंथ को, ये भी याद रखना है, क्या लिखना, एक तो डिक्रीजिंग ऑर्डर इन किसमें लिखना है, गैस फेज। अच्छा एक बात याद आ रही है, जब हमने बेसिसिटी पढ़ा था तो गैस फेज में हमारा लगता था प्लस आई या माइनस, प्लस आई लगता था बस वहां पर तो जरूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है, और हम माइनस आर यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है ये जनरली। लिक्विड फेज में क्या था, सॉल्यूशन फेज जिसको आप बोलते हो, सॉल्यूशन फेज के अंदर प्लस आई तो था ही, ठीक है, एक था सॉल्वेशन और थर्ड था हिंड्रेंस, ये कब लगेंगे, ये इसी केस में लगेंगे जब सॉल्यूशन फेज में पूछेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है देख लेंगे। चलिए डिक्रीजिंग ऑर्डर करना, तो सबसे भैया सबसे ज्यादा बेसिक देखो प्लस आई, और भी ज्यादा प्लस आई, और भी ज्यादा प्लस आई, तो बढ़ा रहा है बेसिसिटी, यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है तो बस बन गया एन एच थ्री, उससे ज्यादा सी टू एच फाइव, एक एक ग्रुप दे रहा है प्लस आई, यहाँ दो ग्रुप दे रहे हैं प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, और अब दे रहे हैं तीन ग्रुप प्लस आई इफेक्ट, तो क्या हुआ और ज्यादा आसान और ज्यादा बेसिक। अच्छा हमने फिर से इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया, डिक्रीजिंग लिखा, चलो इसको उल्टा कर लेना, ठीक है ऐसे कर देना, इस साइड कर देना, डिक्रीज मैं लिख रहा हूं डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसे जाएगा ऐसे इंक्रीजिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, सॉल्यूशन फेज का है आई थिंक, अच्छा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये आ गया देखो, ये मतलब धीरे धीरे कंसेप्ट लगा रहे हैं, अब एज बॉइलिंग कंसेप्ट लगवाए हैं, देखिए
C2H5OH पर, इसके बाद CH3 twice NH पर, इसके बाद C2H5NH2 पर। यार चलो भाई देख लेते, ये तो हमें पता है कि अल्कोहल तो ज्यादा बेसिक होता है, सॉरी अल्कोहल ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल का, किससे अमाइन से, क्यों? क्योंकि टेंडेंसी तो देखो आपको सही तरीके से बताना पड़ेगा, ये भी हाइड्रोजन अवेलेबल है एच बॉन्डिंग के लिए, ये भी है और ये दोनों भाई भी हैं, ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। अब बात क्या आती है, ये ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, ये ऑक्सीजन भी है, ये नाइट्रोजन भी एलिजिबल है बॉन्डिंग के लिए, एच बॉन्डिंग के लिए, लेकिन जब एच तो है यहाँ तो एच से तो कोई फर्क पड़ा नहीं है एच बॉन्डिंग में, एच बॉन्डिंग में फर्क पड़ रहा है ऑक्सीजन नाइट्रोजन से, जिसमें कि ऑक्सीजन ज्यादा स्ट्रॉन्गली बना पाता है ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसलिए इसका तो सबसे ज्यादा होना ही है, किसका किसका मेरे भाई, अल्कोहल का तो होना ही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। अब यहाँ बात कर लेते हैं किसकी, इन दो अमाइन की, तो यहाँ कितने एच बॉन्डिंग, दो, और मेरे भाई यहाँ कितने एच बॉन्डिंग, तीन, तो बस इसका ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो CH3 ये सबसे कम एच बॉन्डिंग कर पाएगा, C2H5NH2 ज्यादा कर पाएगा और अल्कोहल स्ट्रॉन्गली कर पाएगा, इसलिए अल्कोहल का तो पहले आना ही है ज्यादा, ठीक है। चलो अब आता है बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा सबसे बढ़िया क्वेश्चन सबसे लास्ट में दिया, जो कि कंपटीशन में पेपर में पूछा जा रहा है, सबसे लास्ट में दिया और एक ही क्वेश्चन दिया उसके टाइप का, एक्सरसाइज कहीं से ढूंढ के नेट वेट से आप कर लेंगे, अच्छा सोलिबिलिटी वाटर है, सोल्यूशन फेज में पूछा ही नहीं, अरे भाई चलो देख लेते, सोलिबिलिटी ऑफ वाटर फिर से वही लगेगा क्या, एच बॉन्डिंग, चलो सोलिबिलिटी ऑफ वाटर एनिलीन का तो नहीं है, सबसे कम होता है, ठीक है सबसे कम होता है, और नाइट्रोजन यहाँ पे एच बॉन्डिंग करने लायक छोड़ेगा भी नहीं आपको। फिर दूसरी बात है कि एच बॉन्डिंग इसमें ज्यादा हो पाएगा, दो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये कर पाएगा ये भी कर पाएगा, तो पहले नंबर पर आया ये सबसे ज्यादा सोलिबिलिटी में, दूसरे नंबर पर आया ये और तीसरे नंबर पर आया ये, कर लेना ठीक है। अच्छा अगर एक क्वेश्चन मैं दूं आपको और आप मुझे बताओ करोगे, चलो पहले स्क्रीन शॉट ले लिया, चलो यहाँ प्लस आई लिख देते ना, चेक कर लो प्लस आई है कुछ और गलत तो नहीं, प्लस आई होना चाहिए, तीनों प्लस आई लगेगा, चलिए बात करते हैं भैया इसके बाद ये दो ये कंपाउंड हमें दे दिए उसने, ठीक है, फिर उसने दिए ये कंपाउंड, ठीक है कुछ याद आ रहा है, या देखो सॉल्यूशन फेज में क्या बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी करो जी, अरेंज कुछ याद आ रहा है, हमने कहा था कि सेकेंडरी को इथाइल या हो इथाइल कोई सा भी हो, ठीक है, अगर मिथाइल है मेरा आर या मिथाइल है मेरा आर, तो सेकेंडरी तो सबसे पहले रहना ही है, सबसे ज्यादा बेसिसिटी सेकेंडरी की होगी, ठीक है, डिक्रीजिंग कर दिया। अब बात करते हैं क्या, बात करते हैं फर्स्ट प्राइमरी सेकेंडरी की, बड़ा है तो बड़ा नंबर पहले लिया,
छोटा ग्रुप है तो छोटा नंबर पहले ले आओ, खत्म केस, बिल्कुल खत्म केस। ठीक है चलो अब इसकी बात करते हैं। 2 3 1 तो पहले नंबर पे ये आएगा, यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। फर्स्ट ये आएगा, सेकंड नंबर पे ये आएगा, थर्ड नंबर पे इसकी बेसिसिटी होगी। यहाँ फर्स्ट नंबर पे इसकी बेसिसिटी होगी, सेकंड नंबर पे इसकी होगी, थर्ड पे इसकी होगी, बेसिसिटी खत्म। बेसिसिटी पूरे चैप्टर की खत्म, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता। चलिए तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे।